बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे विल स्टार्ट द थर्ड सेशन ऑफ चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। स्टूडेंट, वी हैव लर्न डिफरेंट टॉपिक इन आवर प्रीवियस सेशन, सेशन नंबर 1 एंड 2, इन विच वी स्टडी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड अदर टॉपिक। We also completed the topic level of organization, in which we have studied that when atom join together they form molecules, and different molecules join and form macromolecules. ये macro molecules जो हैं वो आपस में combine होकर cell form करते हैं, जिसके अंदर nucleus and cytoplasm, protoplasm जो है वो form होता है. When same type of cells join together, they form tissue. For example, epithelial tissue, cardiac tissue, nervous tissue, etc. When these tissue combine together, they form organ. For example, your heart, your lungs, your kidney, they all are organ. When they combine, they form the organ system. For example, digestive system, for example, respiratory system, etc. And when these organ join and form the one complex organism means the multicellular organism, or they may form the unicellular organism. So we can say that the organism may be a unicellular organism or may be multicellular organism. यानी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस वक्त आपके वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, यहाँ पे मैं आपको प्लांट्स और एनिमल दोनों की बात कर रही हूँ, कि अगर प्लांट्स आप देखें या आप एनिमल्स देखें, तो दीज ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप, नंबर 1 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड नंबर 2 मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी ये एनिमल या प्लांट जो है वो सिर्फ एक सेल से बने होंगे, इनके पास सिर्फ एक सेल है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको मालूम है कि ये एक ऐसा एनिमल है जो सिर्फ वन सेल पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और इसके सेंटर पे एक न्यूक्लियस है और तमाम फंक्शन जो है वो अपने पूरे एक सेल से ही कंप्लीट कर लेते हैं। और हम वॉल्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे, ये हम अभी नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। सो यूनिसेलुलर एनिमल भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर प्लांट्स भी हो सकते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। आप कोई भी एनिमल इस वक्त देखिए, कोई इंसेक्ट्स है, कोई बटरफ्लाई, कोई वर्म, फिश, बर्ड्स, फ्रॉग, एलिफेंट, और आपके पास इवन बाहर आपको जितने भी इस वक्त प्लांट्स नजर आ रहे हैं, मैंगो ट्री है, कोई फ्लावर प्लांट्स है, दे ऑल आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर आपके पास दो एग्जाम्पल है, फ्रॉग एंड मस्टर्ड। मस्टर्ड को हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में ब्रासिका कंपेस्ट्रिस कहते हैं। सो इस तरह आपके बुक में जो हम आज अपने इस सेशन में स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 10 एंड 11, पेज नंबर 10 और 11 में हम आज दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, नंबर 1 इज अ मस्टर्ड प्लांट एंड नंबर 2 फ्रॉग। पेज नंबर 10, ओपन पेज नंबर 10 इन योर न्यू बुक। पेज नंबर 10, नंबर 1 टॉपिक इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑल अंडरलाइन करें, ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, दे डाइजेस्ट द फूड, दे रिस्पायर, एक्सक्रीट, मूव एक्सेट्रा ऑन द सेलुलर बेसिस बाय सिंपल मेथड, ठीक है। जैसे अगर एक अमीबा है या कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट, उसके सारे फंक्शन वो एक सेल के अंदर ही परफॉर्म हो जाते हैं, उनके पास प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम या उनके पास रेस्पायरेटरी सिस्टम नहीं है, ठीक है, वो फूड इनटेक डायरेक्टली बॉडी से डिफ्यूज होकर उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और डायरेक्टली एक्सक्रीट उनकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं, यानी सिंपल इनके पास डिफ्यूजन का मेथड है जिसके जरिए वो फूड इनटेक भी करते हैं और इसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट भी कर देते हैं।
So we have the different example. For example, bacteria, amoeba, paramecium, euglena. ठीक है, ये तो कुछ एग्जाम्पल है. इसके अलावा आपके पास जो अभी हम स्टडी करेंगे वॉल्बेक्स वगैरह भी ये प्लांट में एग्जाम्पल है जो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे. अब आप इसको क्लोनियल ऑर्गेनाइजेशन को भी छोड़ दीजिए, आप आ जाइए नेक्स्ट में, दैट इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन द ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय मैनी सेल इज कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर. फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब ये यहाँ पे जो आपको हम एग्जाम्पल दिया है हमने फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट, आपके पुरानी बुक्स में, आपकी क्लास 8 में, स्पेशली फॉर द क्लास 9, जिसका क्लास 9 के स्टूडेंट है वो ये डिटेल हम पढ़कर आए हैं क्लास 8 में. लेकिन जो बच्चे इस वक्त क्लास 8 में हैं उनको हम थोड़ा सा डिटेल मस्टर्ड और फ्रॉग पढ़ेंगे. अब आ जाइए सेकेंड टॉपिक, दैट इज अ क्लोनियल ऑर्गेनाइजेशन. क्लोनियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बहुत सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर रहते हैं, बिल्कुल करीब करीब आ जाते हैं एक बॉल की शक्ल में या एक फ्लोटिंग सरफेस बना लेते हैं और ये जहां जाते हैं साथ साथ रहते हैं. लेकिन अपनी जो लाइफ है इनकी वो इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड नहीं करते एक दूसरे में. ठीक है, इस तरह नहीं होता कि एक सेल जो वो डाइजेशन कर रहा है, दूसरा सेल जो इसमें से एक्सक्रीशन होती है. नो, हर सेल जो है वो इंडिपेंडेंट अपनी ओन लाइफ जो है वो गुजार रहा होता है, लेकिन ये साथ मिलके रहते हैं. ठीक है, और इस तरह की जो कॉलोनी होती है इसको हम कहते हैं क्लोनियल ऑर्गेनाइजेशन. इसकी एग्जांपल है वॉल्वेक्स इन ग्रीन एल्गा. मैनी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बाय फॉर्मिंग कॉलोनीज बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते. अमंग देम इन क्लोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ईच मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव इट्स ओन लाइफ, यानी अगर आप उसको वहां से अलग हटाएंगे तो अपनी लाइफ गुजार सकते हैं, डिपेंड नहीं कर रहे थे. ठीक है ना, बस आपस में मिलकर रहते हैं और वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे होते. सो कम ऑन द फर्स्ट मस्टर्ड प्लांट. मस्टर्ड प्लांट इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर प्लांट. मल्टी सेलुलर प्लांट और मस्टर्ड का बोटेनिकल नेम है ब्रासिका कंपेस्ट्रिस. अंडरलाइन करें बेटा, ब्रासिका को अलग लाइन डालिएगा, कंपेस्ट्रिस को अलग लाइन डालिएगा. दीज आर द टू नेम. ठीक है, जेनरा नेम एंड द स्पीशीज नेम, इसको हम अंडरलाइन करते हैं. ब्रासिका अलग अंडरलाइन कीजिए, कंपेस्ट्रिस अलग अंडरलाइन करेंगे. एंड कॉमन नेम आप कहते हैं सरसों. ठीक है ना, सरसों का तेल भी आपने सुना होगा, सरसों का साग भी खाया होगा. ठीक है, तो ये कॉमनली पाकिस्तान में उसको कहते हैं सरसों, और बोटेनिकल नेम इज द ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं मस्टर्ड. और इसको हम विंटर में, विंटर सीजन में इसको कल्टीवेट किया जाता है और मजे से हम इसके साग वगैरह खाते हैं, और इसमें से जो इसके सीड्स होते हैं उससे हम ऑयल निकालते हैं, मस्टर्ड ऑयल. अच्छा, किसी भी प्लांट को जब हम स्टडी करते हैं, आपने छोटी क्लास में 6 में 7 में भी आपने स्टडी किया होगा, द होल प्लांट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट. वेजिटेटिव पार्ट में हम रूट स्टडी करते हैं, स्टेम स्टडी करते हैं, लीव करते हैं. ठीक है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या चीज आ जाएगा, सिर्फ फ्लावर. अच्छा, अगर आप सरसों के प्लांट को देखें तो बहुत ज्यादा बड़े प्लांट नहीं है, ये शर्ब है. शर्ब का मतलब होता है, आपने नर्सरी केजी में पढ़ा होगा, हर्ब शर्ब ट्री. ठीक है ना, हर्ब तो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे हरा धनिया है आपका, दिस इज अ हर्ब. शर्ब थोड़ा सा, यानी ये भी हर्ब और शर्ब के सेंटर में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा शर्ब नहीं है. ये भी छोटे प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा वुडी इनका जो है स्टेम नहीं होता. तो इसकी लेंथ तकरीबन कितनी होगी, 1 से लेकर 1.5 मीटर की लेंथ होती है. अच्छा, अब इसके वेजिटेटिव पार्ट में अगर हम रूट को आप देखें, तो रूट दे बिकॉज दे आर द डाइकोटिलीडन, तो इनका रूट जो है वो टैप रूट सिस्टम होता है. ठीक है, टैप रूट सिस्टम, दे हैव अ मेन प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शरी रूट्स. स्टेम अगर आप देखें तो चूंकि ये डाइकॉट है तो इसके स्टेम्स होते हैं, और इन स्टेम्स में जो लीव्स होते हैं
उनको भी अगर आप नोट कीजिए तो ग्रीन लीव्स हैं जो बिल्कुल अगर बिल्कुल न्यू निकले हैं तो इनके मार्जिन पे कोई वेविंग स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन अगर ओल्ड लीव हैं तो इनके लीव्स जो हैं वो काफ़ी वेवी होते हैं। हम ये सारा डिटेल क्लास 8 में पढ़ चुके हैं ब्रासिका के अंदर, ठीक है। अब आ जाइए रिप्रोडक्टिव पार्ट। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज फ्लावर, ठीक है। तो ब्रासिका के अंदर जो फ्लावर है इनके वो येलो कलर के होते हैं छोटे छोटे, और इन फ्लावर के अंदर सीड प्रोड्यूस होते हैं। बाद में हम इन सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसको हम सरसों का तेल कहते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत छोटा सा टॉपिक दिया है उन्होंने मस्टर्ड प्लांट का, इसको हम शॉर्ट नोट्स में याद कर लेंगे और लिख लेंगे। सेकेंड टॉपिक इज अ फ्रॉग। फ्रॉग हम बहुत डिटेल क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जो बच्चे इसका क्लास 8 के हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ। अगर आप कोई भी फ्रॉग उठाएं, इसको छुएं, तो ये काफ़ी स्लिपरी इसका स्किन होती है, एंड दे आर एम्फीबियंस, यानी ड्यूल नेचर होती है। ये वाटर में भी लिव करते हैं और ये लैंड में भी लिव करते हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल है, ठीक है। वॉट इज अ कॉमन नेम ऑफ फ्रॉग इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में जो कॉमन हम फ्रॉग देखते हैं उसका नाम है राना टिग्रीना। फर्स्ट लाइन लिखे, अंडरलाइन कीजिए, राना को अलग अंडरलाइन कीजिएगा, टिग्रीना को अलग अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। इट इज अ जेनेरिक नेम एंड स्पीशीज नेम। कॉमनली पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे फ्रॉग्स हैं, बहुत बड़े साइज के भी फ्रॉग्स होते हैं, बहुत छोटे स्मॉल साइज के भी फ्रॉग्स होते हैं, ठीक है। खास बात इसकी ये होती है, अभी मैंने बता दिया कि दे आर एम्फीबियंस एंड दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज इन लैंड। इनके पास नेक नहीं होती, नेक एब्सेंट होता है, हेड इज डायरेक्टली अटैच टू द बॉडी। और इनके पास जो आईज होते हैं बहुत बल्जिंग आईज होते हैं और ऑन द टॉप ऑफ द हेड होते हैं, यानी सर के बिल्कुल ऊपर होते हैं। अब चूंकि इनके पास नेक नहीं है तो ये अपनी गर्दन तो घूमना आ नहीं सकते, पीछे देखना है आगे देखना है, तो चूंकि इनके आईज ऊपर होते हैं तो बल्जिंग आईज की मदद से वो आगे पीछे हर जगह देख लेते हैं, ठीक है। अब इनके अगर आप इस फ्रॉग को डायसेक्ट करें या इसको स्टडी करना चाहें तो वो हम इंशाल्लाह आपको लैब में फ्रॉग दिखा देंगे। इस फ्रॉग के अगर आप हाइंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब्स को देखिए तो इनमें खास स्पेशली अरेंज वेब्स होते हैं जो उनको पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनके पास डिफरेंट टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू भी है, इनके पास कार्डियक टिश्यू भी है, ग्रेन्युलर टिश्यू भी है, मस्कुलर टिश्यू भी है, दे ऑल्सो हैव अ नर्वस टिश्यू, ठीक है। और ये सारे टिश्यूज आपस में मिलकर ऑर्गन फॉर्म करते हैं और ये ऑर्गन ने मिलकर आपस में सिस्टम्स बनाए जो इनकी बॉडी के अंदर मौजूद है। एक्टिविटी आपके पास एक दी हुई है कि आप एक फ्रॉग लीजिए, उसको डाइसेक्ट करें और उसके डिफरेंट ऑर्गन्स हम देखें। तो इस वक्त तो मैं आपको लेक्चर में सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, इंशाल्लाह जब आप स्कूल आएंगे तो आपको लैब में हम फ्रॉग दिखा देंगे, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेट्रा। लेकिन अब आपके पास न्यू बुक में ये सिलेबस थोड़ा सा इन्होंने रिड्यूस कर दिया, बहुत डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे। अगर आप कोई भी फ्रॉग लेते हैं उसको आप पहले एक हम डाइसेक्टिंग ट्रे होता है उसके अंदर उसको पिन लगाकर फिक्स कर देते हैं, फिर उसके स्किन को सीजर की मदद से कट करने के बाद एब्डोमेन से इसको पिंस लगा देते हैं और फिर आपको सेंटर पे तमाम ऑर्गन्स नजर आते हैं। अगर आपको टीचर कहती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम शो कीजिए तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन होंगे, यस लेफ्ट साइड में देखिए, नंबर 1 माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफियगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, क्लोइका, ठीक है, ये तो ऑर्गन होंगे। इसके साथ सेंटर पे लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास, ये डाइजेशन में इनकी हेल्प करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हार्ट आ जाएगा, आर्टरी और वेन आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हार्ट, एट्रिया, वेंट्रिकल, एओटा एंड वेना कैवा जो है वो बहुत ज्यादा क्लियरली नजर आ सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स, ट्रेकिया एंड नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल कहते हैं नाक को। जैसे आपके पास आपकी बॉडी में एक बिल्कुल अलग से नाक है तो फ्रॉग के पास नाक नहीं होती, दो स्मॉल होल्स होते हैं, दैट इज नोन एज द नॉस्ट्रिल। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, यूरिटर एंड यूरिनरी ब्लैडर,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अगर वो मेल फ्रॉग है तो टेस्टीज एंड वासा एफरेंशिया, और अगर फीमेल फ्रॉग है तो ओवरीज, ओविडक और ओविसेक्स जो है वो विजिबल होते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है, ये तमाम चीजें किसी भी फ्रॉग में, किसी भी हायर जितने भी एनिमल्स हैं हमारे पास उनमें ये तमाम सिस्टम्स मौजूद होते हैं। स्टूडेंट पेज नंबर 12, दिस इज अ डायग्राम ऑफ डायसेक्टेड फ्रॉग। अभी मैंने आपसे बताया था कि जब हमें कोई फ्रॉग डायसेक्ट करना होता है तो उस फ्रॉग को हम उल्टा यानी कि उसके पीछे के साइड को ऊपर कर देते हैं, ठीक है, और पिंस की मदद से फ्रॉग को अटैच कर देते हैं ऑन द डायसेक्टिंग ट्रे। जब एब्डोमिनल वेंट्रली इसको हम कट करते हैं तो बहुत सारे ऑर्गन हमें क्लियरली नजर आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ बोलती जा रही हूँ, आप इसको प्लीज लेबल कर लीजिए अपने बुक पे। सबसे टॉप पे हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। टॉप यानी जो उसका माउथ है वो सब बंद है, तो जॉ नंबर वन लेबलिंग इज जॉ, पिंक कलर से जो आपके पास नजर आ रहा है दैट इज अ जॉ। अपर जॉ एंड लोअर जॉ इस वक्त चूंकि वो बंद है आपको नजर नहीं आ रहा, दिस इज अ लोअर जॉ। उसके बाद इसके आईज है, बल्जिंग आईज, बल्जिंग आईज या सिर्फ आईज लिख लीजिए। इसके बाद सेंटर पे पिंक कलर से जो शो किया जा रहा है वो टंग है, जबान उसकी नजर आ रही, टंग, टी ओ एन जी यू ई। देन लेफ्ट साइड पे ही अभी हम फोर्थ लेबलिंग, लंग्स नजर आ रहे हैं, लाइट ब्लू कलर में आपको लंग्स लिखिए। इसके बाद लार्ज जो रेड कलर से आपको नजर आ रहा है दैट इज अ लिवर, ठीक है। उसके बाद लिवर के बाद आप लिखेंगे पेनक्रियास, पेनक्रियास के बाद आप लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, राइट साइड पे आ जाइए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, हार्ट, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर एंड क्लोएका। स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ पे लेबल कर दिया है, कलर में मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया था ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए, ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर नजर नहीं आ रहा है, बट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और लेबल कर लीजिएगा। नंबर वन इज अ जॉ, आई, टंग, लंग्स, लिवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, राइट साइड पे आ जाइए ऊपर से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, हार्ट, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर एंड क्लोएका। स्टूडेंट दिस इज द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। क्लास 9 के स्टूडेंट आपके क्लास 8 में डिटेल पढ़ चुके हैं, डायग्राम बना चुके हैं, लेकिन वो स्टूडेंट जो इस वक्त क्लास 8 में हैं उनके लिए मैंने ये डायग्राम ओल्ड बुक से लिए बेटा। आपके पास ओल्ड बुक है आप उनसे देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने आपको ये कहा है कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ फ्रॉग डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये डायग्राम आपके पास न्यू बुक में नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। देखिए बेटा, सबसे पहले ऊपर एसोफियगस, एसोफियगस इज अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू विच ओनली फूड इज पास। एसोफियगस में से पास होने के बाद फूड एंटर होता है स्टमक में। फोर्थ लेबलिंग देखें आप, स्टमक, स्टमक के अंदर फूड आ जाता है, वो पार्ट जो हार्ट के करीब हो दैट इज नोन एज द कार्डियक एंड, और वो पार्ट जो नीचे की साइड पे दैट इज नोन एज द पाइलोरिक एंड, ठीक है। अब फूड जब स्टमक में आ जाता है तो यहाँ पर फूड की चर्निंग होती है, फूड आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होता है। मोस्टली फ्रॉग का फूड जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, मोस्टली इंसेक्ट्स खाते हैं। ये इंसेक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे स्टमक में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड एंड द चर्निंग ऑफ द स्टमक ये फूड सेमी लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है और एंटर होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द स्मॉल इंटेस्टाइन और ये एक यू ट्यूब शक्ल है दैट इज नोन एज द ड्यूडेनम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन अगर आप आगे जाएं तो आप लेफ्ट साइड पे देखिए, इसने कर्व छोटा सा कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो आप नीचे आ जाइए, फिफ्थ जो लेबलिंग है दैट इज नोन एज द ईलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेबलिंग है दैट इज नोन एज द ईलियम। तो जब फूड यहाँ से पास हो रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द ड्यूडेनम,
यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वैसे मैं आपको बता रही हूँ, ड्यूडेनम एंड सेकेंड पार्ट इज नोन एज द ईलियम। जब फूड ड्यूडेनम में से पास होता है तो बहुत सारी सिक्रीशन पेनक्रियास से और लीवर से आती है, और ये फूड को डाइजेस्ट करने के बाद ईलियम में मोस्ट ऑफ द फूड डाइजेस्ट एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद फूड एंटर होता है रेक्टम में, और रेक्टम से ये क्रोइका ओपनिंग के जरिए फूड बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। आपको पूरा डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ये आपके बुक में दिया हुआ भी नहीं है, हमें सिर्फ डायग्राम बनानी है, इसलिए मैंने आपको ओल्ड बुक से ये डायग्राम शो कर। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 6 जी, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ फ्रॉग्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डायग्राम मैंने आपको अभी शो की थी वो आपकी पुरानी ओल्ड बुक में, आप वहां से देख के डायग्राम बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर अपने पास पेज नंबर 17 में दो क्वेश्चन आप खुद लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्रॉग एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्रासिका, ब्रैकेट में लिख लीजिए मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, तो राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्रॉग आप पेज नंबर 11 में छोटा सा पैराग्राफ फ्रॉग के ऊपर है वह पूरा लिख लीजिएगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्रासिका पेज नंबर 10 में ब्रासिका के बारे में जो डिटेल लिखा है वो आप इसको अपने पास लिख लीजिएगा। इस तरह ही 3 क्वेश्चंस हो गए, एंड नंबर 4 क्वेश्चन आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 का आंसर आपको पेज नंबर 4 और 5 में मिल जाएगा। ये पूरा डिटेल है, इन्होंने आपसे पूछा है के वाई सब्जेक्ट बायोलॉजी इज नेम एज द मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट, और मल्टी डायमेंशनल इसलिए है कि ये फिजिक्स से भी रिलेट करता है, इसका ताल्लुक जो है केमिस्ट्री में भी है, और जितनी मेडिसिन अगर बन रही है, कोई फिजिक्स का कोई इंस्ट्रूमेंट है या रिसर्च हो रहे हैं साइकोलॉजी, ये तमाम चीज़ों के साथ हमारा बायो जो है वो इन्वॉल्व होता है, दैट्स वाई इट इज नोन एज द मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। तो पेज नंबर आपके पास 4 and 5 पूरा डिटेल आंसर मौजूद है, आप इसको राइट कर लीजिएगा। ठीक है, सो टुडे 4 क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 6, और 2 मैंने आपको शॉर्ट नोट बताए हैं फ्रॉग एंड ब्रासिका पे, ब्रासिका मीन मस्टर्ड प्लांट। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन नंबर 3। सेशन नंबर 4 मैं आपको नेक्स्ट टाइम इसमें मजीद जितनी चीज़ें रहेंगी एक्सप्लेनेशन दूंगी, और इंशाल्लाह हम क्लास में जब आएंगे तो जो चीज़ें हमारी रह गई हैं उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।